नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज़ में। हर रोज़ की तरह आज फिर से हाजिर देश विदेश की 20 बड़ी खबरों को लेकर के। मसूद अजहर के भाई मौलाना अम्मार ने माना हवाई हमले में बालाकोट में हुई जबरदस्त तबाही। पाक में जैस पर नकेल, विदेशी मंत्री ने कहा अब भारत के खिलाफ आतंक को पनाह नहीं। सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का संकेत, OIC में शामिल हो सकता है भारत। रूस के रक्षा मंत्री ने सीतारमन से की बातचीत, कहा हम भारत के साथ मजबूती से खड़े। OIC में भारत ने कहा कश्मीर पर हमारा रुख स्पष्ट, यह हमारे देश का आंतरिक मुद्दा। दक्षिणी नाइजीरिया में गैस पाइपलाइन में विस्फोट से बड़ा हादसा, 50 से भी ज्यादा लोग लापता। UAE ने कहा OIC में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाना ऐतिहासिक घटना। UN में ओसामा के बेटे को ब्लैक लिस्टेड किया, सऊदी अरब ने रद्द की थी नागरिकता। चीन की सफाई, बेल्ट रोड परियोजना कर्ज में फंसाने वाली नहीं। जिल्लाद की नौकरी में आए 50 गुना आवेदन, आवेदकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल। अमेरिका दक्षिण कोरिया बंद करें सैन्य अभ्यास, डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन की वार्ता के बाद आया फैसला। अमेरिका साउथ कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास बंद करने का ऐलान। OIC ने दक्षिण एशिया में तनाव कम करने और संयम की अपील की। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की VP तथा सचिव बनी भारतीय अमेरिकी मेधा। ट्रंप ने कहा उन्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं, भारत हमसे अधिक कर वसूलता है, अब हम भी वसूलेंगे। पाकिस्तानी वकील का खुलासा, अपनी लाश बचाने के लिए नहीं दिखाई F-16 पायलट के मौत की खबर। अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद बोली आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो पाकिस्तानी नेता। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में 20 की मौत। अमेरिका में बम विस्फोट की साजिश रचने वाले को 16 साल की कैद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बेशर्मी, कहा जैस का पुलवामा हमले में नहीं है कोई भी हाथ। तो ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे हमारा न्यूज़ कार्यक्रम और हमें सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।